हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन का जो सेकंड ओडीआई होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप पहले हमारा टेलीग्राम पे जाइए, मीन्स टेलीग्राम पे जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenGF, फिर हमारा चैनल का लोगो देख के चैनल का लोगो दिखेगा आपको, तो फिर हमारा चैनल पर ज्वाइन हो जाए ताकि आपको टॉस के बाद जो टीम होता है हमारा फ्री चैनल पर ही अपडेट करते हैं ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले। अगर आपको मंथ हर महीने हर मच का 6 टीम चाहिए तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम भी ले सकते हैं। मंथली प्राइम फीस है 1000 ओनली। और आपको जैसे देखिए अजय कल का आज का जो CPL का विनिंग है, तो ऐसे ही अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है और जो भी हमारा मंथली प्राइम में हर मंथ पे 4-5 बार या उससे ज़्यादा ग्रैंड लीग आता है, इस महीने में ज़्यादा ही ग्रैंड लीग है। देखिए हमने रात के T20 मैच पे मिस कर गया, ये जस्ट एक ही बॉलर की वजह से रैंक मिस कर गया, 6 रैंक पे आया था। ऐसे अगर आपको हर मैच का टीम सिक्स टीम चाहिए तो फिर हमारा प्राइम ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही फ्री टीम चाहिए ओनली तो फिर आप हमारा मंथली हमारा ए पे भी ज्वाइन आप हमारा फ्री चैनल पे ज्वाइन होकर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी वो वीडियो के डिस्कस शुरू करते हैं वुमेन मैच की। टॉस विकेट कीपर पे आज की मैच भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन आराम से जीतेगा मेरे हिसाब से, जैसे पहले मैच पे भी बोला था आराम से जीत जाएगा, तो पहले ही देखिए पहले आराम से जीत गया। और मैंने जो बोला था कि सिर्फ तीन ही कैप्टन रहेगा, तीन ही प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा, तो वही प्लेयर हुआ, जैसे हेली हुआ, लैंडिंग हुआ और वैलिसा पेरी हुआ, ऐसे ही तीन चार प्लेयर ही कैप्टन वाइस कैप्टन होगा। तो आज के मैच पे भी ऐसा ही होगा क्योंकि और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कैप्टन वाइस कैप्टन पॉइंट दे। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाग खराब हुआ ताकि आपको तो फिर हो सकता है कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप जा सकते हैं ऐसे प्लेयर और आपका अननोन प्लेयर रन कर दे, इसे होते। तो ऑस्ट्रो विकेट कीपर में एलिसा हेली स्मॉल लीग में मस्ट पिक रहेगा, ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो। किसी भी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना ग्रैंड लीग में बहुत रिस्की होता है, लेकिन जब वो बड़े प्लेयर फ्लॉप चला जाता है तो फिर आपको ग्रैंड लीग में बहुत फायदा होता है। तो आप ग्रैंड लीग में हेली को ड्रॉप कर सकते हो, लैनिंग को ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो हर मैच में रन करे, लैनिंग को भी डर सकते हो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पेरी को ड्रॉप करना थोड़ा बहुत बुरा हो सकता है, आपको बैकफायर हो सकता है एलिसा पेरी को ड्रॉप करना। लेकिन आप इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, इन दोनों को ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन है। आप ग्रैंड लीग अगर 6 टीम बना तो फिर इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हो एक ना टीम में। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से दोनों विकेट कीपर ही खेल रहे हैं, दोनों विकेट पर खेल रहे हैं आर बॉइस और कैसिया नाइट, तो फिर आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट का मैंने क्रेडिट दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, और आर बॉइस कीपिंग कर रहा है तो फिर आपको कीपिंग का भी पॉइंट दे सकते हैं, और कैसिया नाइट तो बैटिंग में लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए तो फिर आर बॉइस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और क्रेडिट का बहुत प्रॉब्लम है तो फिर आप देख कर भी टीम बना सकते हो, क्योंकि क्रेडिट का प्रॉब्लम है तो फिर आपका टीम। लेकिन आज के मैच के लिए मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कम करोगे तभी अच्छा होगा, क्योंकि इस मैच बहुत रिस्की है और क्रेडिट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बड़े प्लेयर को भी छोड़ना पड़ रहा है। बड़े प्लेयर ऐसे नहीं, जस्ट बॉलर को छोड़ना पड़ रहा है ऐसा, तो फिर आप अगर बड़े अच्छा प्लेयर लेना चाहते हो तो फिर आपको लिए बड़े बैट्समैन को छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही। तो फिर अगर आप इस मैच को इग्नोर करोगे तब भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग खेल सकते हो, रिस्क लेके ग्रैंड लीग खेल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से आज ये मैच आप इसको मतलब नहीं स्मॉल लीग अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो बैटिंग की तरफ से मेग लर्निंग जो ओमेन क्रिकेट का सबसे बेस्ट बैट्समैन में से एक है, सिंगल हैंडेड ही किसी भी मैच को जिता सकते हैं, जैसे पहले मैच में भी हमने बोला था अगर आप किसी को कैप्टन बनाओगे तो फिर आपको आराम से किसी भी मैच को जिता सकते हैं, तो फिर आप ऐसे ही आपको जीता सकता है। तो आप जैसे उसे पिछले मैच में ही कर फर्स्ट मैच में ही कर दिया, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा। बेथ मुनी जो मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की रहेगा। नथन मैकलैन आप इसको एन मैकलैन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्की रहेगा। और देखिए माइनस कितना प्लेयर पिछले मैच में कितना प्लेयर माइनस दिया, देखिए आपने 4 प्लेयर वेस्ट इंडीज का, 5 प्लेयर एक ऑस्ट्रेलिया का, 3 प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का माइनस ऑन माइनस मतलब ये सब 0 पे आउट हुआ। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो लेकिन स्मॉल लीग में रिस्की रहेगा। एस किंग को आप ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा, इस स्मॉल लीग में भी ऑप्शन होगा, ये बॉलिंग भी पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है, तो फिर आपको दोनों तरफ से फायदा हो सकता है। कैसिया नाइट को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की होगा। रिसेल हेंस आज के मैच के लिए मेरे हिसाब से 5 थे, आप इसको सिलेक्ट करिए। ये मेगलन इन जैसा ही बैटिंग है और बैटिंग करता है, और इसका भी स्टाइल मेगलन इन जैसे है, और किसी भी मैच में आपको सिंगल हैंडेड जीता भी सकते हैं। तो लेकिन इसका भी कैपेबिलिटी है कि 100 लगा दे, तो आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो ग्रैंड लीग में।
इरिन बुर्न अगर खेलते हैं तो फिर आप इसको पिक करिए, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी करता है, तो आप इसको पिक कर सकते हैं ग्रैंड लीग में अगर खेलता है तो। स्मॉल लीग में भी सेफ ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, अगर वो खेलता है तो फिर आप इसको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग भी, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन का टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाता है तो फिर ऐसे ही प्लेयर काम में आता है। ऑलराउंडर की तरफ से आप एलिसा पेरी मस्ट पिक रहेगा, सो स्टीफनी टेलर भी मस्ट पिक रहेगा, दोनों ही बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है वुमेन क्रिकेट में, तो आप दोनों को ही मस्ट पिक रहेगा। और जेन जॉनसन और ग्रैनली गार्डनर में से आपको एक को पिक करना है, या दोनों को भी पिक कर सकते हो अगर आप एक क्रेडिट मैनेज कर पाए तो। फिर जॉनसन मेरे हिसाब से आज के लिए मैच के लिए फन थे, गार्डनर को आप एज ए स्मॉल लीग का आप सेफ ऑप्शन के लिए रख सकते हो, लेकिन गार्डनर को जॉनसन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है और इसको भी वाइस कैप्टन का पॉइंट देने का कैपेबिलिटी रखता है। एम सूट क्रेडिट का प्रॉब्लम है, तो आप इसको देखिए क्रेडिट का प्रॉब्लम की वजह से कितना कम लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन बहुत बढ़िया और बेस्ट बॉलर में से एक है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में क्रेडिट का प्रॉब्लम है तो आप इसको ड्रॉप करना आपके लिए सही रहेगा। अनिशा मोहम्मद आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, इनमें कैपेबिलिटी है कि 4-5 विकेट ले तो फिर आप ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में रिस्की होगा। एस कॉनल पिछले मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, मेरे हिसाब से आज के मैच में फ्लॉप जा सकते हो, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो। ए फ्लेचर मेरे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन में से, मतलब ऑलराउंडर है वेस्ट इंडीज का, आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में सेफ ऑप्शन रहेगा, आप मस्ट पिक रहेगा मेरे हिसाब से। ये डेलिसा किम्स अगर खेलता है तो फिर आप इसको पिक करिए, अगर पॉइंट क्रेडिट मैनेज कर पाए तो फिर बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है बॉलिंग भी कर लेता है, आप इसको पिक कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग आपको जीता भी सकते हैं। आपको ये ऐसा प्लेयर जो लो क्रेडिट वाला प्लेयर होता है और जो अनकॉमन प्लेयर होते हैं आपको ग्रैंड लीग में बहुत मदद करते हैं। के रामहरक को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अगर अनिशा मोहम्मद को ड्रॉप करते हैं तो के रामहरक कर देगा, क्योंकि दोनों ही एक ही सेम टाइप का बॉलर है, तो आप इसको दोनों में इन दोनों अगर खेलता है रामहरक तो आप ले सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। सी हेनरी बहुत बढ़िया ऑप्शन है ग्रैंड लीग में, आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से सेफ ऑप्शन रहेगा सी हेनरी, इसको रख सकते हो। एस गजना भी पिछले मैच में खेला था, मेरे हिसाब से आज ड्रॉप भी हो सकते हैं। राम हराक को खेला सकते हैं, तो आप अगर खेलता है तो फिर ज़्यादातर, क्योंकि आपको ज़्यादातर 4-7-4 से जाना है, तो फिर आप इस तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट चार ही वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर लेना है, और उसके अलावा सबको आप 6 टीम बना है तो फिर सब में एक एक करके ड्रॉप करना है, तो ताकि आपको किसी भी 6 में से किसी भी टीम आपके ऊपर निकल जाए। जी और एम पिछले मैच में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था, और तो आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों ही सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पे तो, बड़े प्लेयर को उठा सकते हो। निकोला कैरी ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर बैटिंग करने का भी मौका मिला तो बैटिंग तो की तरफ से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। आप ग्रैंड लीग में इसको मेरे हिसाब से क्रेडिट का बहुत प्रॉब्लम है, तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों तरफ से दोनों ही सेफ रहेगा अगर खेलता है तो। अगर नहीं ड्रॉप नहीं खेलता है तो फिर आप जो न्यू प्लेयर अगर ग्राहम खेलता है तो फिर ग्राहम को पिक करिए, ये फ्लेमिंग को भी पिक कर सकते हैं, फ्लेमिंग भी बहुत बढ़िया बॉलर है। ये ग्राहम मेरे हिसाब अगर खेलता है ग्राहम को तो आप मस्ट पिक करिए, बहुत बढ़िया बॉलर है, आपको 3-4 विकेट भी चटका सकते हैं, आपको ग्रैंड लीग भी जीता सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाला जो वीडियो आपको मिले, और हमारा फ्री चैनल पे भी ज्वाइन हो जाए ताकि आपको टॉस के बाद जो टीम होता है हमें वहाँ पर डालते हैं, और जो भी ड्रीमलेवन रिलेटेड न्यूज़ होता है और कबड्डी फुटबॉल जो भी मैच होता है सब हम वहाँ पर टीम डालते हैं, तो फिर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए, और हमारा मंथली प्राइम भी ले सकते हैं आप। हम ग्रैंड लीग हर महीने 4-5 बार ग्रैंड लीग आते हैं हमारा मंथली प्राइम में, तो आप अगर मंथली प्राइम लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम भी ले सकते हैं। वीडियो अभी ख़त्म करते हैं, ओके भाई अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।